गाड़ी में बैठ जा। और ये भी पुलिस की है, ये भी पुलिस की है भाई। ये कोरियन, ये अमेरिकन। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मेरा नाम है सुशांत, अभी आप सब लोग देख रहे हैं सुशांत एनवायर व्लॉग, और आज मैं हूँ अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम है देव। हेलो हेलो। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, और अभी हमें यहाँ पे गिरधारी गोपाल फैमिली रेस्टोरेंट में, तो अभी हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, और वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं। हम आधे रास्ते में पहुंचे और देव जो है वो कार उड़ा रहा है। अभी 10 बज रहे हैं और होप सो हम 11 बजे तक पहुंच जाए वहाँ पे, और वहाँ पे मैं आपको एक मॉल एक्सप्लोर करवाऊंगा। यार ये रोड ना पहले भी खटा रही थी और अब भी खटा रही है भाई, इतने झटके पड़ रहे हैं ना कमर में। वैसे मैं 6 फुट का, झटके पड़ रहे तो कमर और दर्द हो रही है। जब हम घर से आ रहे थे ना तो मेरी मम्मी ने देव को देखा तो मेरी मम्मी शॉक्ड हो गई कि इतना सा बच्चा चलाएगा क्या कार। चला चला बड़ा ले डब्बा। तो गाइस अभी हम पहुंच गए चंडी माता के मंदिर में, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा लगता है। यहाँ से ये वैसे छोटा सा मंदिर है, फिर ये है चंडी माता का मंदिर, और यहाँ से मतलब ट्रोली का है, ट्रोली से आप ऊपर जा सकते हैं। इसका एक रास्ता और है, वो अभी दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2 मिनट दूर रास्ता है इससे। ये है वो रास्ता, यहाँ से पैदल पैदल जाते हैं। ये देखो कितनी भीड़ लगी है। तो गाइस ये है हरिद्वार का पुल, और ये है गंगा नदी, देखो कितनी बड़ी है। वैसे तो अभी पानी कम हो रखा है यहाँ पे, बट जब पानी होता है तो यहाँ पूरा जितना पत्थर पत्थर देख रहे हैं यहाँ सारा पानी पानी भर जाता है। अभी मैं और देव थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट करते करते कोरोनाटो खा रहे हैं, और अभी हम निकलेंगे पेंटागन मॉल की साइड, कुछ शॉपिंग भी करनी है हमें थोड़ी सी वहाँ से। वैसे हमने सुना है कि पेंटागन मॉल जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आज जाके एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा है। बस वैसे तो सुना ही सुना है, कभी गए नहीं है, बट अब देखेंगे कि है कैसा। आज जो मैं पेंटागन मॉल जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ इसकी रिकमेंडेशन से। हाय गाइस, कैसा है पेंटागन? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हम दिखाएंगे आपको वहाँ जाके कि कैसा है। और वैसे इसने भी कुछ शॉपिंग करनी है, और मैंने भी करनी थी क्योंकि मेरे कपड़े खत्म है। पहले तो रोड, अब ये हाईवे पर चलान कर रखा है, पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ रास्ता है। अब गूगल मैप खोल खोल के जा रहे हैं पेंटागन की साइड। तो गाइस अब हम पेंटागन पहुंच चुके हैं, अभी हमने कार को अंडरग्राउंड पार्क किया हुआ है, और इस पार्किंग के 50 रुपये पड़े हमें। तो देव आज देव और मैं वैसे काफ़ी टाइम बाद मिले, मतलब मिले तो थे, तगड़ी शॉपिंग। हाँ मतलब मिले तो थे पर कभी ऐसे नहीं मिले थे कि मतलब टाइम निकाल के अच्छे से। आज मिले काफ़ी टाइम बाद कि फ्री होके घूम रहे हैं साथ में, और अगली ट्रिप जम्मू कश्मीर। हाँ भाई हमें ना कार्ड देख रहे हैं, वैसे कहीं फाइन ना मारते वो। नहीं मारे, चल। अभी फिलहाल हम अंडरग्राउंड है पार्किंग में, तो अब हम लिफ्ट लेके जाएंगे ऊपर मॉल में, तो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे मैंने बाहर से देख तो लिया था कि यहाँ पे मैकडोनल्ड भी है, डोमिनोज भी है, और बहुत काफ़ी कुछ है, बार भी है वैसे तो, पर हम पीते नहीं है इसलिए हम जाएंगे नहीं। क्यों देव? अब हम आ चुके हैं मॉल के अंदर। हाँ फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं भैया। क्या क्या है भैया इस मॉल में? ग्राउंड में अभी हम ग्राउंड फ्लोर में आ चुके हैं। बर्गर के पैंटलून्स लंदन बेरी रेड उबड़े, काफी कुछ है वैसे इस मॉल में। बड़ा है ना वैसे यार काफी? नहीं मेरे को लगा नहीं था कि देहरादून के अलावा हरिद्वार में भी इतना बड़ा मॉल होगा। बचपन की याद आ गई। नहीं तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पेंटागन के गेमिंग सेंटर में, जो कि मतलब बहुत अमेजिंग सा लग रहा है, बहुत सारे गेम्स हैं। अभी देखते हैं कुछ गेम खेल के। वैसे पहले मैं गेम खेलने वाला था, फिर मैंने प्लान बनाया कि पहले हम पूरा मॉल घूमेंगे, मॉल घूमेंगे उसके बाद हम लास्ट में गेम खेलेंगे। हाँ वैसे मॉल तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बनाना वीडियो। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे, जा 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 भाई।
ये देखो ये लड़की वाले नखरे ये पूरे स्टार्ट कर रखे हैं अभी से। हम मॉल घूमने आए थे, पिक्चर्स क्लिक करने आए थे भैया। अरे भाई वैसे करना पड़ता है पर भाई वैसे अगर कोई यहाँ आए और से बियर पीने का मन हो और वो तीनों तो ना यहाँ चल जाना सेटर्स हाउस में, यहाँ पे दो बियर में एक बियर फ्री है और है भी काफी अमेजिंग सा। ये देखो ये रहा फूड ड्रिंक एंड पीपल द सेटर्स हाउस। वैसे यहाँ पे ना बचपन की याद आ गई। ये देखो एरोप्लेन वाला झूला। तो गाइस अब मैं इसमें जाने वाला हूँ। बोल जाए इस गेम का नाम क्या है? अभी आ जा भाई चढ़ा दो फिर मुझे फटाफट इसके ऊपर। जूते उतार के जाना पड़ेगा। कहाँ से चढ़ू? यहीं से। भाई धक धक तो रहा है ऐसे। भैया अगर गिरे ना मैं बता रहा हूँ। नहीं यार धक्का एक ही फटके में नीचे गिरा दिया भाई। सही छाप रहे भाई ये एक ही फटके में जब नीचे गिरने है तो। अब देव जा रहा है उसके ऊपर बैठने के लिए। क्यों जा दे बोल दो उधर से। भाई मैं तो बहुत जोर से गिरा। अब इसका देखते हैं एक राउंड इसको भी। भाई बैठ जा देव। भाई मेरे हिस्से की भी 50 रुपये वसूल कर लियो ठीक है। भाई मेरे तो 50 रुपये तो वेस्ट चले गए गिर गए कि फटके में। धीरे धीरे घुमाते यार भाई तुम इतनी जल्दी देख ली क्यों घुमाया। चलो भाई घुमाना शुरू करो से देव। भाई 50 रुपये वसूल करने ठीक है। पकड़ के रख टाइट हाथ। ओ देव क्या कर रहा है? ओ बेटे बैठ गया। ओ बेटे भयंकर। कैसा लगा देव? नाना अंकल नहीं लगी। मर्द को दर्द कहाँ होता है? अंकल तो बिल्कुल ही बच्चा समझ रहा है मैं। क्यों देव? बहुत भयंकर। मैं पूरा लेट गया था उसी टाइम पे जस्ट रिवर्स हो गया। लो भाई मजा आया यार बहुत। लो 100 रुपये ठीक है। थैंक यू भैया। अरे कोई बात नहीं। हाँ भाई 50 रुपये वसूल कर ले। ओ भयंकर। मैं अभी आपको अपनी एक नई गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ मैंने खरीदी है। अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और ये भी पुलिस की है। ये भी पुलिस की है भाई। एग्जॉस्ट सुन रहे हो भाई इसका? चलो रेव रेव रेव। भाई अभी आप सबको इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। ये देखना ये देखना भाई मजा आ रही है यार इसे चलाने में। हॉर्न नहीं बजता भाई इसमें। इधर तो इधर तो हॉर्न भी बजता है यार इसमें। तो उससे मेरा क्या फायदा? अब भागती तो नहीं तेज है कोई थक जाएगा हॉर्न नहीं जाता। ओ बेटे बस तभी तो इतनी तेज आवाज कर रही है उसकी ताकि ठुके ना कोई हॉर्न की जरूरत ना पड़े। वैसे एक बात है ये मॉल फेमस बहुत है क्योंकि यहाँ पे बाहर बाहर से विदेशी भी आते हैं। ये कोरियन ये अमेरिकन। देव कैसा लगा तेरे को? बस मजा आया यार। मजा तो आया पिकनिक लेने भी। हाँ मतलब मजा आया पर यार यहाँ पे ना काफी सारी जगह ऐसा था कि पिक नहीं ले सकते तुम स्टोर के अंदर तो बात थोड़ी सी अजीब लगी। क्यों ऊपर के एक्सप्लोर नहीं किए बट कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ वैसे मतलब था तो सब सही बस ये कि बहुत एक्सपेंसिव भी है कुछ कुछ मतलब जो चीज तुम्हें बाहर से 40 रुपये की मिल जाएगी यहाँ पे 400 रुपये है। नहीं था वो किचन 40 रुपये का तो कहीं नहीं मिलेगा। 40 रुपये का दिला दिया तो कितने रुपये देगी बता? अभी हरिद्वार से 40 रुपये का दिलाऊंगा मैं वही किचन। देखियो हाँ यूनिक पीस था भाई बहुत मिलते हैं ऐसे एक की चेन देखने के 40 रुपये का 400 को बता रहे हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं पर घर जाने से पहले ना हमने सोचा इस ट्रॉली में बैठ के एक बार फिर से वैसे ही घूमेंगे तो इस बार गार्ड ने हमें रोक दिया। ठीक हो फाइन नहीं मारा? क्यों देव फाइन तो कैसे मारेगा भाई? स्क्वाड से नफरत हो गई है मुझे। पुलिस वाला है हमारे साथ। क्यों देव पुलिस की सोर्स है हमारे साथ। ये रहा पुलिस। चलो अब चलते हैं। वैसे हम आते टाइम ना गेमिंग सेंटर जानबूझ के नहीं गए। एक तो वहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत थे यार
क्योंकि देहरादून में जब हम गए थे तो वहाँ पे जो चीज 50 रुपए की थी ये 100 रुपए का बोल रहे थे, तो इसलिए हमने एक ही राइड ली। वैसे वो बुल वाला गेम ना बहुत खतरनाक था, देखने से तो लग रहा था कि आराम से गिर रहा है बंदा नीचे, पर जो झटका मार रहा था ना भाई नीचे गिराते टाइम, और जब नीचे गिरा था थैड लग रही थी। हम गिरे ना हमें ही पता है भाई, अरे कभी मौका मिले तो राइड जरूर करना, बहुत मजा आती है यार उसमें। क्या चुप, तूने करी, तुझे पता है वो रास्ता जो मैं बोल रहा था ऊपर चंडी माता के मंदिर के लिए पैदल वाला रास्ता है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है और बहुत दूर है भाई। और जो चंडी माता का मंदिर है यहाँ से उसके लिए ट्रॉली मिलती है, वैसे यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, बट यहाँ पे ना वेटिंग बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से काफ़ी को मौका नहीं मिलता जाने का, तो यहाँ पे ट्रॉली यहाँ चलती है। तो रास्ते में चलते चलते हमें भूख लग गई थी, इसलिए हम पहुँच चुके हैं खैरा ढाबा, है ना। वैसे दूसरी बार आ रहा हूँ मैं खैरा ढाबा, है देखते हैं अंदर जाके देखते हैं, वैसे दूसरी बार आ रहा हूँ पर ये दूसरा वाला खैरा, तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या ऑर्डर लगाते हैं। Nice. वैसे अभी मैं खैरा का ढाबा की पार्किंग में हूँ, और हमने वहाँ बटर पनीर और थोड़ा सा नान खाया, और थोड़ा सा ऐसे लिखा है क्योंकि तबीयत खराब थी, खा नहीं सकते थे। और यहाँ पे ना एक वॉशरूम है, वहाँ पे ही और सी लिखा है, काफी सारे लोग ऐसे जो सी में घुस जा रहे हैं के बदले, क्या बोल रहे हैं भाई। आजकल जहाँ जाओ वहाँ चेकिंग चल रही है, ये देख रहा हूँ यहाँ पे भी चेकिंग। मिलते बाद में, चलो अब घर जाने का टाइम हो चुका है, अब मिलेंगे बाद में, ठीक है। तो घर आया बाद में, और मम्मी को पुराने घर छोड़ने का ऑर्डर पहले आ चुका है, तो अभी मम्मी को मैं ले जा रहा हूँ पुराने घर, और तब तक ये घर की रखवाली करेगा, ठीक है। अच्छे से रखवाली करियो, ठीक है, ठीक है, चल। पर मम्मी को ड्रॉप करने से पहले हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये ब्लॉग बहुत लंबा बन जाए, और ब्लॉग टाइम से इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यार मेरी ना तबीयत काफी खराब चल रही है, और देख रहे हो कितने सारे ब्लड टेस्ट है, ये तो एक ही डॉक्टर ने करवाए, ऐसे मैंने 3-4 डॉक्टर बदले, तो सोचा ऐसे कितने टेस्ट करवाए होंगे, और जैसे मैं रिकवर होऊंगा वैसे ही ब्लॉग टाइम टू टाइम आना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।